विभाग द्वारा देवदर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। यह देवदर्शन पद यात्रा प्रातः 7:30 बजे से लक्ष्मी नारायण जी बाई जी का मंदिर बड़ी चौपट जयपुर से प्रारंभ होकर रामचंद्र जी का मंदिर सिरह ड्योडी बाजार जयपुर से प्रातः 10:30 बजे विसर्जित की गई। कार्यक्रम के दौरान श्री रामचंद्र जी मंदिर सिरह ड्योडी बाजार में प्रातः आरती व भजन स्तुति का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, देवस्थान व उद्योग मंत्री व देवस्थान विभाग कमिश्नर प्रज्ञा केवल रामानी भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने भाव जनता के सामने रखे। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ किया गया। अपने ग्रंथों में माना गया है कि वैसे तो हर दिन शुभ है सप्तमी को, तो हमने सप्तमी शनिवार और 7 मंदिरों के दर्शन के लिए हमने शुरुआत कर रहे हैं। हम ऐसे आयोजन करते आ रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। पहले चाहे सुंदरकांड किया हो, चाहे राम कथा की हो, चाहे भगवत कथा की हो, तो इस तरह से हम करते ही आ रहे हैं। और ये आयोजन हमारे परंपरागत हैं और प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। इस तरीके के आयोजन अपन करते आ रहे हैं, तो उसी में ये भी आज भी शामिल है। मैडम, आपने काफ़ी नवाचार किए हैं, आपने ट्रेनों के माध्यम से काफ़ी यात्रियों को भी भेजा है, आपने प्लेन के माध्यम से भी आ गए प्रस्ताव पारित कर रखा है, बजट भी आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ये एक नया नवाचार लेके आए। आपने अभिषेक भी करवाए हैं, सुंदरकांड भी कराए हैं, और ये जो नया नवाचार लेके आए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि और किस प्रकार इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं? जैसे अपना सावन का महीना था तो शंकर भगवान का रुद्राभिषेक जलाभिषेक करवाए शस्त्र धारा, और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की भी सोच है कि उनकी जो सोच है कि हर प्राणी में ईश्वर है, ईश्वरत्व विराजमान है, और उसको मानते हुए ही पूरे राजस्थान का बजट पेश किया है। चाहे जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है वो एक इतना सराहनीय कदम है। आपने देखा कि जब हम ट्रेन पे वहाँ गए तो कई बुजुर्ग इतना खुश हो रहे थे कि हमने सोचा भी नहीं था सपने में भी कि हम जगन्नाथपुरी के दर्शन करके आएंगे, रामेश्वरम के दर्शन करके आएंगे, गंगा सागर जाके आएंगे, जैसा हमने इस तीर्थ को शामिल किया है। तो ये सारे जो सोच है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सोच है, और उन्हीं की सोच के कारण आज इतने सारे जो बुजुर्ग हैं वो तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं। बड़ी उनको सुविधा में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जा रही है। मुख्यमंत्री जी की भी सोच यही है कि मेरे राजस्थान का हर प्राणी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और मेरे राजस्थान में किसी को किसी तरीके का कोई दुख नहीं हो। चे आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीवी भव, उस आशीर्वाद को साकार करने का काम किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया, चिरंजीवी योजना चला करके, जिससे कि लाखों का ट्रीटमेंट आप देखेंगे कि एक एक अगर जिले में देखा जाए तो लाखों लोगों को लाभ मिला है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे एक मजदूर हो, गरीब आदमी हो, उसका भी आप देखिए कि आम आदमी भी 850 रुपये में जुड़ सकता है कोई भी व्यक्ति। लेकिन जो नरेगा में थे, जो BPL में थे, वो ऑटोमेटिक राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से बीमा करके जोड़ दिए। तो ऐसी जो किसान मित्र योजना हो, ओल्ड पेंशन योजना हो, हर योजना ऐसी है, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र छात्राएं महिलाएं हो, हर के लिए एक एक योजना नई नई लेकर के नए संस्कार लाए हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम विद्यालय, कि एक गाँव के बालक के मन में ये नहीं आए कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ता हूं, तो ऐसी उड़ान जैसी योजना कि हर व्यक्ति के लिए, चाहे लंबी बीमारी कोरोना हो, ऐसी में रात और दिन VC करके कोई पार्टी नहीं, सबसे MLA MPs धर्मगुरु व्यापारी वर्ग हर वर्ग से बात करके किस तरीके से राजस्थान को बेस्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो काम राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किया है। उन्हीं की बदौलत आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये भी उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है।